पर क्या ऐसा भी होता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आप कभी यूनिवर्सिटी गए ही नहीं, एक दिन भी क्लास लगाए ही नहीं, एग्जाम्स भी आप ऑनलाइन दे रहे हैं, और देश का जो UGC एक रेगुलेटरी जो बॉडी है जो सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है, उसको आप सुनने को, उसकी बातों को मानने को, उसके सर्कुलर्स को बिल्कुल आप नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और इसके तहत कोई भी यूनिवर्सिटी अपने ऑफ कैंपस सेंटर नहीं बना सकती। दोस्तों, बीवोक कहें या बी वोकेशनल कहें, दोनों ही कोर्सेज बात एक ही है। जब वोकेशनल ट्रेनिंग में कोई कोर्सेज को कराया जाता है, स्किल बेस्ड ये सभी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि किसी भी इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल करवाने के लिए भेजा जा सकता है और वहां से आप प्रैक्टिकली नॉलेज लेते हो। पर क्या ऐसा भी होता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आप कभी यूनिवर्सिटी गए ही नहीं, एक दिन भी क्लास लगाए ही नहीं, एग्जाम्स भी आप ऑनलाइन दे रहे हैं? क्या ऐसा भी कोई नियम है? क्या हमारे देश का कानून ऐसा बोलता है, या फिर क्या जो गाइडलाइंस आती हैं UGC के द्वारा, क्योंकि UGC ने ही ये कोर्सेज को चलाने की परमिशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को दी है, बट इनका मिसयूज हो रहा है। इसीलिए बहुत सारी जो कंपनीज में जब ये डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को लेने से मना कर दिया जाता है और नौकरी से भी बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे कई सारे मामले हमारे पास आए जिन स्टूडेंट्स ने हमें डॉक्यूमेंट शेयर किए और बताया कि हमने सर जॉब में अप्लाई किया था और इस यूनिवर्सिटी के ये डॉक्यूमेंट्स थे, उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए ही मना कर दिया, क्योंकि जो गाइडलाइंस दी गई है उन सभी को ये यूनिवर्सिटीज मानती नहीं। गलती स्टूडेंट्स की भी है, और आज हम बात करेंगे क्या कहती हैं गाइडलाइंस और क्या कहता है देश का लॉ, और साथ में ही क्या है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ज्यादा कुछ जानने के लिए बी वोकेशनल के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, हालांकि बी वोकेशनल बी वोक पर हमने पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आपके डाउट्स को क्लियर किया है, जो कुछ आपने हमसे सवाल पूछे थे उन सबके जवाब दिए हैं, पर आज अपने इस वीडियो के माध्यम से 4 या 5 पॉइंट में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या बोलता है देश का कानून, क्या बोलती है गाइडलाइन। सबसे पहली बात दोस्तों, आप ये जानिए कि एक जजमेंट आया था 2005 में, जिस जजमेंट का नाम था प्रोफेसर यशपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें कुछ बातों को बड़ा ही क्लियर कर दिया गया और साथ ही बताया गया कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने ऑफ कैंपस सेंटर नहीं बना सकती। मतलब कि कोई भी एक यूनिवर्सिटी अगर यूपी में चलती है तो यूपी में चलते हुए वो सोचे कि मैं यूपी में ही बहुत सारे अपने सेंटर्स बना दूं और वहां पर क्लासेस चलती रहे और एग्जाम्स भी वहीं पर होते रहे, सब कुछ वहीं पर हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसी बात है जैसे कि आप किसी भी तरह से कानून सीधा सीधा तोड़ रहे हैं और देश का जो UGC एक रेगुलेटरी जो बॉडी है जो सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है, उसको आप सुनने को, उसकी बातों को मानने को, उसके सर्कुलर्स को बिल्कुल आप नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और इसके तहत कोई भी यूनिवर्सिटी अपने ऑफ कैंपस सेंटर नहीं बना सकती। अब आप में से जो भी कोई कंसल्टेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अगर बी वोकेशनल का कोई भी ऑफ कैंपस सेंटर चला रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किस यूनिवर्सिटी का आप सेंटर चला रहे हैं, या फिर आप में से कोई भी स्टूडेंट है, किसी ने भी एडमिशन लिया है, किसी भी ऑफ कैंपस में एडमिशन लिया है, वहीं एग्जाम्स दिए हैं, वहीं पढ़ाई की है, तो भी आप बताना ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट में ये बात आती है कि जब सेंटर आप बना ही नहीं सकते, कोई भी ऑफ कैंपस सेंटर बनेगा नहीं, इन्फॉर्मेशन सेंटर बन सकता है, आप साथ में ही इंडस्ट्रीज में जाकर प्रैक्टिकली नॉलेज ले सकते हैं, बट इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि आप एग्जाम्स भी ऑनलाइन दे दोगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि एग्जाम्स भी बाहर करा दिए जाएंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ आप बाहर ही पढ़ लोगे। ये सिर्फ किस लिए हो रहा है कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी कोई डी ग्रेड टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है पैसे से, उन्हें कोई मतलब नहीं क्वालिटी एजुकेशन किसी स्टूडेंट को मिलेगी या नहीं। और स्टूडेंट भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्स इसीलिए सिर्फ करते हैं, या फिर हम कहें डिग्री सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं कि उन्हें उस डिग्री का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है, कहीं ना कहीं लगानी है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या प्रमोशन के लिए उस डिग्री को इस्तेमाल करना है, तो वो भी ये गलतियां कर बैठते हैं, जबकि ये चीज दोस्तों लीगल नहीं, और ये बिल्कुल ही पूरी तरह से ही आप UGC के जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनका आप वायलेशन करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है। दोस्तों सबसे पहली बात और सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात जो है वो होती है स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स। मतलब कि लोगों को साक्षर बनाना स्किल के मामले में, उन्हें कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज देना, प्रैक्टिकली चीजों को सिखाना, ताकि वो अपने देश में और ज्यादा योगदान दे सके,
तरक्की में योगदान दे सके, अपनी खुद की जॉब के लिए तैयारी कर सके, अपने आप को स्किल्ड बना सके, मतलब उन्हें सिर्फ पढ़ने के अलावा कुछ प्रैक्टिकली भी आता हो, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा कोर्स कर लें जिसमें कि स्किल है, जिसमें कुछ हुनर आपको बताया जा रहा है, हुनर आपको सिखाया जा रहा है। ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम सारे होते हैं, बट इसके अंदर आप खुद सोच कर देखिए कि आप सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या स्किल बेस्ड प्रोग्राम हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ किताब पढ़कर दोस्तों वो स्किल आपके अंदर आएगी नहीं। और साथ में मैं आपको बता दूं, जो इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिकल करने के लिए बोला, इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिस करने के लिए बोला, इंडस्ट्री में जो नॉलेज लेने के लिए बोला, उन सब चीजों को ताक पर रख दिया गया है। और बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे भी इंस्टीट्यूट देखे, कहीं ना कहीं से एफिलिएशन ले लिया, पर मैं आपको बता दूं कि आप में से कोई भी एक ऐसी रिट लगा दे मेंडमस में, रिट लगती है अगर आप हाई कोर्ट जाओगे 226 आर्टिकल में लगती है, जो अपने देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 226 आर्टिकल यही बोलता है कि किसी भी हाई कोर्ट में आप जाकर रिट लगा सकते हैं। मैंडमस में दोस्तों ये रिट लगेगी, आप ध्यान रखें इस बात को। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 32 में जाकर आप वहां रिट लगा सकते हैं। और आप रिट लगाइए, आपको सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या इस तरह से यूनिवर्सिटी सेंटर बना सकती हैं, क्या इस तरह से एग्जाम्स बाहर करा सकती हैं, क्या इस तरह से जो ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं इन्हें सिर्फ थ्योरी के दम पर चलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता। हम लोगों ने खुद एक रिट को प्रोसेस किया था, बट प्रोसेस करते ही जैसे प्रोसेस हमने किया, काफी यूनिवर्सिटीज को उन चीजों से प्रॉब्लम्स थी। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप कोई भी कोर्स ऐसे कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो गलत तरीके से चल रहा है और आपकी डिग्री खुद की वैलिडेट नहीं हो रही है या कंपनीज नहीं मान रही हैं या जहां भी आप जा रहे हैं उन्हें नहीं माना जा रहा है, तो दोस्तों इन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से वेरीफाई करा के रखना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट। ये सब दोस्तों होता सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता, रूल्स के बारे में नहीं पता, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता। आप में से कोई भी अगर चाहता है कि हम रिट लगाएं यूजीसी को, आप में से दोस्तों कोई भी अगर चाहता है कि हम यूजीसी को आरटीआई लगाएं और इन पर सवाल जवाब करें, बहुत सारे सवाल जवाब करें बी वोकेशनल बी वोक के बारे में, जितने भी आपके सवाल हैं, अगर कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को पूछोगे, मेरा ये प्रॉमिस है मैं खुद पर्सनली आरटीआई लगाऊंगा और यूजीसी से उसका सवाल पूछूंगा। और साथ में ही अगर आप बोलते हैं कि हम रिट लगाएं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं, इसके बारे में सवाल पूछें, क्योंकि हम एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं तो हम रिट भी लगाएंगे और इस पर हम सवाल भी उठाएंगे, हो सकता है हमारे इन सवाल उठाने से आपको कोई मदद मिल सके। कोई भी किसी तरह की जानकारी आप चाहते हैं, कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, दिए नंबर पे व्हाट्सएप करें या फिर आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करें। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।